हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और हर एक साल, एवरी ईयर एंड ईच सेक्शन सॉरी ईच स्लॉट यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो फिक्स है हर एक स्लॉट में, चाहे 22 का हो, 21 का हो या 20 का हो, सारे स्लॉट में एक एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आए हैं, और उस क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको लर्न करना डिफिकल्ट है और एक क्वेश्चन आता है तो लीव कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और एक क्वेश्चन गारंटी आपको देता है, मतलब 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगा कि बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर कुछ लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, बिकॉज कुछ मोटिवेशन चाहिए ना गाइज। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टाइम एंड वर्क। अब देखो भाई, टाइम एंड वर्क में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम सब टॉपिक एक डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ एक, चलो 3 सब टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल टाइप का, कन्वेंशनल टाइप होता है जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा सिंपल, कि सपोज ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, फिर ए प्लस सी किसी काम को सपोज 15 दिन में और करते हैं, तो ए बी का एफिशिएंसी निकालिए और फिर और कुछ निकालिए। ये होता है कन्वेंशनल टाइप, और इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप जो क्वेश्चन है उस पर बात करने वाले हैं। दूसरा होता है वेजेस का, मतलब सिंपल सा एक एडिशन कन्वेंशनल टाइप में, इसमें आपको एक वेजेस मतलब सैलरी का, जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको एक वेजेस मिलते हैं ना, तो जैसे कहीं कहीं इंडस्ट्री में होता है कि आपको पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करोगे तो उसके हिसाब से वेजेस मिलते हैं। मतलब सीधा सा बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर मतलब जैसे कोई 5 यूनिट बनाया तो उसको 10 रुपए मिलेंगे, 10 यूनिट बनाया तो 20 रुपए, मतलब इस टाइप से। अगर कोई बंदा 5 यूनिट बनाता है तो उसको 10 ही मिलेंगे, और कोई 10 बनाता है तो उसको 20 मिलेंगे, तो इस टाइप से वेजेस का एडिशन आ जाता है वो। इन सेकेंड होता है कि पाइप एंड सिस्टर्न होता है, ये भी कुछ है नहीं, बस नाम थोड़ा सा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो अपना घर का नलका होता है, पानी होता है, कि हाँ एक टंकी है उसमें 2 इनलेट पाइप है, 2 इनलेट है और एक आउटलेट है, एक आउटलेट है, फिर ये इतना आवर में फिल कर रहा है, ये सपोज 2 घंटे में फिल कर रहा है, और ये 4 घंटे में एम्प्टी कर रहा है, तो अगर तीनों को एक साथ ओपन किया जाए तो पाइप कितना टाइम में फिल होगा या एम्प्टी होगा, इसी टाइप के वो लोग प्ले करते हैं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आज का हम लोग अपना डिस्कशन कन्वेंशनल टाइप पे स्टार्ट करते हैं, इस पे कन्वेंशनल टाइप पे। इसका एक सिंपल सा बेसिक थ्योरी है, कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है पाइप और सॉरी टाइम एंड वर्क में। बस टाइम एंड वर्क एक फॉर्मूले पे पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, एक फॉर्मूला और थोड़े बहुत कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसका? मैन मशीन जो भी हो, मैन मशीन या जो भी हो, नंबर ऑफ डेज इट मीन्स टाइम, कोई पर्सन कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, कोई मशीन कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। ये बेसिक फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है, और ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है। जैसे पीएचडी में बहुत सारे
फॉर्मूले हैं, और भी टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये एक टॉपिक, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा है नहीं कुछ, बस सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला रखना है एंड लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बस वही करना है। आप 20, 25 या 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर कैट के लिए और जो भी है। सो अब इसका एक और थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्मूला होता है टोटल वर्क के लिए, इसी पे है बस, कुछ नहीं है क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में कभी होता है उसमें कि नंबर ऑफ आवर दे दिया और कुछ नंबर ऑफ पर्सन दे दिए। जैसे सपोज कि एक काम को कोई 5 स्टूडेंट 10 दिनों में कर रहे हैं, तो उसी उसी के लिए ये फॉर्मूला है, जैसे इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ये टाइम हो गया, इनटू इफिशिएंसी, इनटू नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन या लेबर या स्टूडेंट जो भी हो, इनटू आवर्स। बस ये हो गया इसका एक्सटेंशन फॉर्मूला, बस दैट्स इट, ये फॉर्मूला है। फिर वेजेस में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हो गया। फिर पाइप एंड सिस्टम में, उसमें भी इसी पे बेस्ड होता है और कुछ नहीं होता है, बस आपको सॉल्विंग का एक प्रोसेस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब गाइज एक चीज है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल सा टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में हाई है। पहले हम लोग स्टार्टिंग से इजी क्वेश्चन करेंगे, इसको बंद रखते हैं पहले के लिए। अब देखो, जैसे ये मैं फॉर्मूला बताया ना, इसका एक और चीज है कि जैसे सपोज क्वेश्चन में कभी कभी रहता है कि टोटल वर्क कांस्टेंट है, टोटल वर्क कांस्टेंट मतलब वो दिया नहीं रहता है, बस अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है यहाँ टोटल वर्क कांस्टेंट है, मतलब जो वर्क है वो कांस्टेंट है। तो उसके लिए क्या होता है, जब ये वर्क कांस्टेंट हो जाएगा तो जो इफिशियंसी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, और वी कैन से दैट डे। अब इसका मीनिंग क्या है, जितने भी इंजीनियर हैं उनको पता है, या फिर नॉन इंजीनियर को भी पता होगा क्योंकि ये बेसिक है, हम लोग 10th 12th वगैरह में पढ़े हुए हैं, या फिर मतलब 10th से पहले भी। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि सपोज इफिशिएंसी इंक्रीज करेगा तो टाइम डिक्रीज करेगा, अगर टाइम इंक्रीज किया तो इफिशिएंसी विल डिक्रीज, बस इसका सिंपल सा मीनिंग है ये। एक को इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा ये अगर इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज करेगा, बस ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। और इसका यूजेस आते हैं क्वेश्चन में, और ये बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन को जब आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज इसको बिना यूज किए हुए भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम लोगों को थोड़ा टाइम भी तो बचाना है ना, हम लोग को स्मार्ट होना है ना कि लेबर, स्मार्ट वर्क करना है। सो बस आपका इतना इतना कॉन्सेप्ट है आपका अभी, जो फिलहाल के लिए जो हम लोग कन्वेंशनल टाइप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उसके लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला, उस पे ये आगे से डिराइव हुआ है, और ये थोड़ा सा एक कॉन्स्टेंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बस दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे आपको वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रोल समझाऊंगा आपको। अभी देखो, पी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 10 डेज 14 डेज, आर कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। ओके, सो अब देखो इसमें एक चीज फिक्स होती है कि ये जो वर्क है, ये तीनों जो वर्क कर रहे हैं ये वर्क सेम है, आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये तीनों वर्क डिफरेंट है, ये तीनों वर्क सेम है।
सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले शुरू में क्या है, पी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। सो टोटल वर्क इक्वल टू पी, ये पी का एफिशिएंसी, तो मान लो पी का एफिशिएंसी पी है और वो इतना का 10 दिन में कर रहा है। अब ये 1/4 ऑफ वर्क कर रहा है, टोटल वर्क का 1/4 कर रहा है, तो इसको हम टोटल वर्क इक्वल टू 40 × P लिख सकते हैं। दैट मीन्स P टोटल वर्क 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला, इस पे लगा दिया। अब अगला वाला लेते हैं Q, सेम ये फॉर्मूला, टोटल वर्क, तो शिफ्ट करते हैं, या सो अब ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, इसको मैं एक बार यूज कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सो ये क्या बोल रहे हैं, क्यू कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। सो टोटल वर्क इक्वल टू क्यू का एफिशिएंसी, मान लो क्यू है 40 डेज में कर रहा है और 40% ऑफ वर्क कर रहा है, मतलब 40, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, 40 / 100 वर्ट 2/5, अगर इसको ऐसे किया 20, सो टोटल वर्क इक्वल टू 520 हुए ना, 500 × Q। सो क्यू जो टोटल वर्क है वो 100 दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा। अब आते हैं, ये है पी का, ये है क्यू का, और यहाँ पे आते हैं आर का। सो आप आर क्या बोल रहा है, आर कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। इट मीन्स टोटल वर्क इक्वल टू आर × 13, 1/3 कर रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो टोटल वर्क इक्वल टू 39 × आर। इट मीन्स आर विल कंप्लीट टोटल वर्क इन 39 डेज। अब देखो ये तीन मेरे रिलेशन आ गए, आर 39 डेज में कर रहा है, पी 40 डेज में कर रहा है, क्यू 100 डेज में कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब ये जो वर्क है जो तीनों में सेम है वो कौन कंप्लीट करेगा। अब देखो जो मैं बताया था, क्या बताया था, कि जो इफिशियंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज के। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा है डेज के, मतलब जो डेज जो टाइम कम ले रहा है उसका तो इफिशियंसी ज्यादा होगा। अगर वो इफिशियंसी ज्यादा है तो वो वर्क को भी कंप्लीट पहले करेगा, समझे ना। जैसे मान लो कि जो टाइम कम ले रहा है, यहाँ वही बताया था ना कि अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो उसका टाइम कम लगेगा। इट मीन्स जो टाइम कम ले रहा है जो पर्सन, उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगा तो वो वर्क को पहले कंप्लीट कर पाएगा ना, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ कम, देखो यहाँ पे तीनों में कंपैरिजन करो, यहाँ 100 है, ये 100 डेज में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी इसका जो भी हो, अगर हम इसको कंपेयर करें पी से, तो ये 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब क्यू 100 डेज में, पी 40 डेज, और आर 39 डेज। सो अब कंपेरिजन करो यहाँ पे, इसका इफिशियंसी तीनों के इफिशियंसी में कंपेरिजन करो, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो सिंपल सा दिख रहा है कि इसका आपका इफिशियंसी ज्यादा होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज कम ले रहा है, तो कौन वर्क कंप्लीट पहले करेगा, आर, तो सिंपल सी आर। तो ये देखो एक सिंपल सा ये फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन डिराइव हो गया, और इसका एक सिंपल सा यूज, नहीं तो अदरवाइज और क्या मेथड होता है, एक एलसीएम मेथड होता है जो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, इस क्वेश्चन में ना बताने को समझे, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप लोग को समझ में आएगा पहले क्वेश्चन में कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है।
तो दैट्स वाई ये मैंने एलसीएम मेथड से नहीं बताया, अदरवाइज आपको एलसीएम लेना पड़ता 10, 40 एंड 13 का, उसके बेस पे आप टोटल वर्क अज्यूम करते, फिर पी का एफिशिएंसी निकालते, फिर पी का एफिशिएंसी, फिर क्यू क्यू का एफिशिएंसी, फिर आर का एफिशिएंसी, तब जाके आप कंपैरिजन करते, फिर आपको पता चलता है। लेकिन एक सिंपल सा ये इस रूल को अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन वर्क को कंप्लीट पहले करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो गाइज, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा, मतलब टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो दो मेथड से मोस्टली सॉल्व होते हैं। एक होता है एलसीएम अप्रोच और एक होता है इक्वेशन वाला, इक्वेशन राइट। देखो नाम कुछ भी हो, बस अप्रोच समझना है कि हाँ इसको हम एलसीएम बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन टाइप बोलते हैं, एक नाम बस दे दिया है कि हाँ ऐसा है। अब एलसीएम अप्रोच क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें जितने भी नंबर प्रेजेंट है उसका हम एलसीएम लेने का ट्राई करते हैं, जैसे ये 10 है, 25 है, 2 है ना, इसका हम एलसीएम लेने का ट्राई करेंगे 10 और 25 का। अब ऐसा नहीं है कि हम एलसीएम करने बैठ जाएं, जो नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे आप कि हाँ प्राइम फैक्टराइज करो फिर वो करो, वैसा नहीं। अगर मैं अगर सपोज ज्यादा ही नंबर ले लिया, जैसे मुझे पता है कि 50 से 10 भी डिवाइड होगा, 25 भी डिवाइड होगा, तो मैं 50 भी, मैं 100 भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। ये फिक्स नहीं है कि हाँ मुझे एलसीएम एकदम परफेक्ट वाला लेना है, ऐसा नहीं। एलसीएम है, एलसीएम का मल्टीपल आप ले सकते हो, बस ये यही करना है इसमें। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, बी टेक 25 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, मीन्स वर्क सेम है यहाँ पे, ये एज्यूम करना होता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए प्लस बी टूगेदर कंप्लीट अ वर्क। सो अब देखो एलसीएम अप्रोच में क्या है, सीधा हम एक टोटल वर्क एज्यूम करेंगे एलसीएम उसका। सो मैंने टोटल वर्क एज्यूम ले लिया 100, 100 ले लेते हैं। अब बोल रहा है, अब 100 एज्यूम कर लिया, अब मेरा सिंपल वो फॉर्मूला क्या है, वो जो मैं बोला था कि टोटल वर्क इक्वल टू डेज इनटू इफिशिएंसी। अब टोटल वर्क तो मैंने 100 लिया है, ए को कंप्लीट करने में 10 डेज लग रहा है और ए का इफिशिएंसी मुझे पता नहीं, तो ए मैं लिख लेता हूँ। अब ये कैंसिल आउट होगा, इट मीन्स ए का जो इफिशिएंसी हुआ वो 10 हुआ। अब आते हैं बी के ऊपर, सेम बी 100 टोटल वर्क, डेज 25 डेज इंटू इफिशेंसी क्या, बी 25 इंटू 100, सो बी का इफिशेंसी आ गया 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज ए और बी टूगेदर कंप्लीट द वर्क। अब ए और बी दोनों कितने दिन में कंप्लीट वर्क करेंगे वर्क को, तो टोटल वर्क, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क इक्वल टू ये डेज इंटू एफिशिएंसी। सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो ए का एफिशिएंसी है प्लस बी का एफिशिएंसी है, उससे मेरा टाइम निकल जाएगा, मतलब डेज यही है ना। अगर इसको हम जैसे ये टोटल वर्क है इक्वल टू डेज इंटू एफिशिएंसी, सो एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क इंटू डेज, ये सिंपल फॉर्मूला है, यही तो किया मैंने। अब ए प्लस बी वो टुगेदर बोला है, तो हम दोनों इफिशियंसी को ऐड करेंगे, दोनों का इफिशियंसी विल ऐड। सो टोटल वर्क कितना अज्यूम किया, 100 डिवाइडेड बाई 4 और 10, 14, ये इतना डेज आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 50/7, 50/7 ये आपका आंसर हो गया। तो ये आता है एलसीएम अप्रोच, मतलब सिंपल सा करना है, जो भी नंबर और डेज दिए हैं उनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम है एलसीएम का मल्टीपल, जो कि हमने 100 लिया है, अगर 50 भी लेंगे फिर भी वो सेम ही आंसर आपको देगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। बस आपको ये सोचना है कि आप कौन सा नंबर लोगे ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो। अब बस सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है, ये
टोटल वर्क इक्वल टू डेज इंटू इफिशियंसी, जो टोटल वर्क हमने 100 लिया, ये पहला स्टेटमेंट लिया, 10 दिन में ये कंप्लीट कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 10 हो गया। यहाँ पे बी के लिए लिया जो सेकंड स्टेट यहाँ पे, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से मुझे 4 निकल गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ये काम करेगा, तो इसके लिए एक ये हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दिए और यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो ये एक होता है आपका एलसीएम अप्रोच। अब आते हैं इक्वेशन अप्रोच पे। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इक्वेशन अप्रोच पे, मतलब इक्वेशन अप्रोच। सो देखो क्या है, टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशिएंसी, तो ये पहला स्टेटमेंट भी कंसीडर फर्स्ट, ए इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब ए का इफिशिएंसी हमने ए अज्यूम किया। अब बी के लिए टोटल वर्क इक्वल टू 25 डेज इनटू बी हो गया। अब हमने पढ़ा होगा कि जो अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्क तो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। तो देखो 10 इंटू ए इक्वल टू 25, सॉरी 25 इंटू बी, ऐसे लर्व करते हैं, 25 जा 10 5, सो 2a इक्वल टू 5b। अब यहाँ पे मुझे एक ए और बी के जो इफिशियंसी है उसके टर्म में एक रेशियो मिल गया। सो व्हाट विल डू हेयर, एक तो होता है कि मुझे मतलब कोई भी एक टर्म में किसी को लेके जाओ फिर उसको सॉल्व करो, मतलब जैसे यहाँ पे सपोज मैंने बी का वैल्यू पुट कर दिया, फिर एक टर्म में लेके गए फिर वहाँ पे सॉल्व किए, तब जाकर वो चीजें सॉल्व होगी। अदरवाइज एक सिंपल सा मेथड है, उतना मतलब वो लंबा हो जाता है मेथड, एक सिंपल सा मेथड ये होता है कि आप इसमें ए या वैल्यू, जैसे इसको एक एक और स्टेप में लेकर जाता हूँ आपको फिर बेटर क्लियरिटी होगी। 5/2b, नाउ व्हाट विल डू हेयर, हम बी का ऐसा वैल्यू लेंगे जो 2 का मल्टीपल हो, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो व्हाट विल डू फॉर सिंपल कैलकुलेशन, हम लोग बी का वैल्यू 2 एज्यूम करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 लिया, सो 2 2 विल बी कैंसिल आउट, सो 5, ए का वैल्यू 5 हो गया, मतलब ए इक्वल टू 5/2 इंटू 2, सो ये कैंसिल हो गया ना, तो ए का वैल्यू 5। अब मुझे ए का एफिशिएंसी निकल गया, बी का एफिशिएंसी निकल गया, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए प्लस बी वो काम को कितना दिनों में करेंगे, मतलब मुझे टोटल वर्क चाहिए। जब तक मुझे टोटल वर्क नहीं निकलेगा तब तक मैं कैसे फाइंड आउट कर लूंगा कि दोनों कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। सो व्हाट वी विल डू हेयर, वी विल फाइंड टोटल वर्क। अब दोनों में से कोई इक्वेशन ले लो, ये लेना है ले लो, ये लेना है ले लो, दोनों में आपको टोटल वर्क सेम मिलेगा। आप पुट करके देख लो ना, b2 50 यहाँ पे डालो आप, 50 ए का वाई 50, तो एक का वैल्यू 50, सो टोटल वर्क विल बी 50। नाउ को वर्क, सो टोटल वर्क इक्वल टू मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, सो टोटल वर्क इक्वल टू दोनों का एफिशिएंसी, मतलब ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी का एडिशन, सो 5+2 कितना 50/7, सेम आंसर आया। अब
दोनों मेथड में आप कोई भी मेथड आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा अप्रोच को अच्छा वे मानते हो। अगर मेरा अगर ओपिनियन लो तो मैं इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इस मेथड को, इस वाले को, इक्वेशन मेथड को, क्योंकि मैंने जितने भी कैट के क्वेश्चन देखे हैं ना, वो इक्वेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत मतलब इजी, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, मतलब विद इन 1 और 2 मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ये अप्रोच मुझे लगता है कि ये अच्छा है, इक्वेशन अप्रोच, ना कि वो एलसीएम अप्रोच, लेकिन वो आपके ऊपर, आप किस अप्रोच में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट एक और चीज है कि हाँ, वो जो इक्वेशन अप्रोच है वो किसी किसी क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाता है, उस क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यही है ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि विच क्वेश्चन एंड विच मेथड शुड आई प्रेफर फॉर अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो विथ प्रैक्टिस यू विल लर्न। सो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये टॉपिक जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, बस आप प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट वगैरह ज्यादा है नहीं, बस दैट्स इट। अब आप मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसमें भी मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा, ये इक्वेशन और वो वाली। सो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं सबसे पहले। सो 10 मैन टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट अ जॉब, वर्किंग 8 आवर अ डे। देखो यहाँ पे आ गया ना, 8 आवर अ डे, तो वो जो सेकंड वाला इलाबोरेट करके फॉर्मूला था वो आएगा काम। सो हाउ मेनी आवर्स डे शुड व्हाट 6 मैन वर्क टू कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। अब यहाँ पे मुझे आवर निकालना है कि 6 बंदा काम करेगा 12 दिन, इतने घंटे में वही सेम काम को कंप्लीट कर लेगा। सो सिंपल, वो फॉर्मूला जो है, टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, 15 डेज इनटू इफिशियंसी, अब मैन का इफिशियंसी मुझे नहीं पता, मैन का इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ मैन, 10 मैन है यहाँ पे, देखो 10 मैन, 10 मैन इनटू आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, देखो ये हुआ टोटल वर्क। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो टोटल वर्क है उसको करने के लिए कितने आवर, मीन्स आवर इनटू 6 मैन काम कर रहे हैं, मैन का एफिशिएंसी इनटू 12 डेज में वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे आवर निकालना है। अब मुझे टोटल वर्क यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मुझे टोटल वर्क चाहिए, लेकिन इधर तो मेरा इक्वेशन एक ही है, तो कोई इक्वेशन है नहीं दूसरा कि टोटल वर्क मैन फाइंड आउट कर पाऊँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो एक टोटल वर्क एज्यूम कर लो, अदरवाइज क्या बोला था कि अगर एक चीज इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, टोटल वर्क दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग इक्वेट कर देंगे, या फिर आप टोटल वर्क को एज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पे एलसीएम देखो, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एलसीएम 150 और 8, मीन्स हम लोग ले सकते हैं 1200 समथिंग, 1200 एलसीएम ले लिए, फिर मेन का एफिशिएंसी निकल जाएगा, 1 आएगा शायद, मैं दोनों मेथड से बता ही देता हूँ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल इशू, पहले ये समझ लेते हैं। सो 15 इंटू मेन इंटू 10 इंटू 8 इक्वल टू आवर्स, फाइंड आउट करना है मुझे, 6 इंटू m इंटू 12, कैंसिल आउट कर देंगे। सो 2 3 जा 5 3 जा 2 4 6 5, मेन मेन कैंसिल आउट, अब यहाँ पे कितना बचा, 5 5 4 100 इक्वल टू h इंटू 6, और भी कैंसिल होगा, 50 और यहाँ पे 6 है, सो 3। सो आवर कितना हुआ, 50 बाई 3 मीन्स 16.16 4 48 2066 आवर्स, ये इतना आवर्स वो डेली काम करेगा, ये 12 डेज में 6 मैन, तो ये वर्क को कंप्लीट कर पाएगा।
ये एक अप्रोच हो गया सिंपल सा अप्रोच, सिंपल सा अप्रोच, टोटल वर्क इक्वल है तो हम लोग ये जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वेट कर देंगे। अब आते हैं वो जो एलसीएम मेथड है, मतलब सिंपल यहाँ पे एक मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि कैसे होगा। 15 10 अगर 1200 सपोज लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके सिंपल सा 1200 ले लिए, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करके हैं तभी जाके डिवाइड होगा। सो यहाँ पे भी ये 1200 आएगा इनटू मेन, मेन का एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा। अब मेन का एफिशिएंसी 1 होगा, टोटल वर्क यहाँ हुआ, हम टोटल वर्क यहाँ पे रख लेंगे 1200 इक्वल टू, मैं आवर निकालना है 6 × 1 × 12, यहाँ से आप सॉल्व करो आ जाएगा आपको सेम आंसर आएगा आपको। सो ये अप्रोच हो गया। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, 8 गर्ल्स 2 बॉयज कैन डू दैट वर्क इन 6 डेज, सो फाइंड द इफिशेंसी रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। देखो यहाँ पे दोनों अप्रोच सही है, मतलब एलसीएम अप्रोच भी ले सकते हैं और इक्वेशन अप्रोच भी ले सकते हैं। पहले मैं आपको इक्वेशन अप्रोच बताता हूँ, क्योंकि इक्वेशन अप्रोच क्यों ईजी हो जाता है इसीलिए मैं बताता हूँ। देखो इक्वेशन अप्रोच क्या है, जैसे टोटल वर्क इक्वल टू 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स वो 15 दिन काम कर रहे हैं, प्लस 6 बॉयज 15 डेज काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 15 यहाँ पे कॉमन ले लूँ, सो 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज, सॉरी मेरा पेन बहुत फंस रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये हो गया। अब जब से आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये स्टेप लिखने की नीड ही नहीं है। मैं अभी आप इनिशियल में हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो दो बंदे काम कर रहे हैं, इतना काम है, कोई इतना करेगा, इतना कोई किया और कोई इतना किया, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तभी तो टोटल वर्क सेम होगा ना। मतलब ये प्लस ये, मान लो ये ए है ये बी है, दोनों को ऐड किए तभी तो वो टोटल वर्क होगा ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। ओके सो ये हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेटमेंट, 8 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन डू दैट वर्क इन 6 डेज, सो टोटल वर्क इक्वल टू 8 गर्ल इंटू 6 डेज प्लस 2 बॉयज इंटू 6 डेज, 6 कॉमन ले लिया, 8 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज। अब देखो टोटल वर्क दोनों में सेम है, तो हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने पे क्या आएगा, 15 × 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज इक्वल टू 6 6 8 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज। यहाँ पे हम लोग इसको 5 3 जा और 2 3 जा मल्टीप्लाई करते हैं, 20 गर्ल्स 20 गर्ल्स प्लस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट हैपेंड, 2 सॉरी मेरा पेन पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। सो देखते हैं ट्राई करके हाथ से कुछ होता है। यस सो 20 जी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस
30 बी इक्वल टू 8 2 16 जी प्लस 4 बी 6 5 जो 30 एंड 6 2 6 2 2 जो 12। अच्छा अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक करेंगे तो ये एक नेगेटिव में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, मैं थोड़ा चेक कर लूंगा इसको एक बार, जहाँ से मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसको, वहाँ से इसमें क्या इशू है। बट ये मैं इसको एक करेक्शन करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे सपोज 6 4 2 और 18 18, अच्छा यहाँ 2 के जगह हम 18 कर लेते हैं, 18 बॉयज 2 के जगह 18, 2 18। तो क्या होगा यहाँ पे 18, यहाँ पे होगा 56। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 को, और ये तो ये आ जाएगा 4G इक्वल टू 6B। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल फाइंड द इफिशेंसी ऑफ रेशियो बॉयज एंड गर्ल। सो यहाँ पे क्या है, बॉयज एंड गर्ल का इफिशेंसी। सो बॉयज 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 बाई गर्ल इक्वल टू 6/4 3/2, ये एफिशिएंसी आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जितने भी बाकी के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा सॉल्व, उसका समझाकर सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है और हाथ से मुश्किल हो रहा है लिखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप दैट यू लर्न समथिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, तो चेकआउट एंड थैंक यू। यहाँ तक आपने वॉच किया, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू, लाइक टाइम एंड वर्क में आपको हमेशा एक चीज रखना है, कि जो अटैकिंग होगा वो इफिशियंसी पे काम करना है। मतलब क्वेश्चन जो भी है टाइम एंड वर्क का, उसमें हमको सबसे पहले देखना है कि मैं कैसे इफिशियंसी निकालूं। जो भी पर्सन हो, बॉय जो गर्ल हो, ए बी सी वट एवर, मेरा एम रहना चाहिए इफिशियंसी निकालने का। इफिशियंसी निकालने का क्या फायदा होता है ना, कि आप उसको समेशन कर सकते हो, टाइम को ऐड नहीं कर सकते। टाइम एंड वर्क में आप इफिशियंसी को ऐड कर सकते हो, टाइम को कैसे वर्क कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोई बंदा किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, उसको कैसे ऐड कर लोगे। इफिशियंसी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इफिशियंसी का सेम है, मतलब वो पर आवर में, एक बंदा अगर 1 घंटे में 2 यूनिट कम कर रहा है, एक बंदा 3 यूनिट कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर 5 होगा ना, जो 1 घंटे में 5 होगा, इसलिए हम इसको ऐड कर पाते हैं इफिशियंसी को। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफिशियंसी पे आप अटैक करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। बाय बाय।